हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। जय माँ ज्वालपा, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। चलो फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज शाम की बज रही हैं 5:30, नहीं 5:30 नहीं, 6:30, 6:30 हो गई हैं। तो मेरा डिनर आधा आधा तैयार हो गया। आज थोड़ी सी लेट हो गई, और क्योंकि मैं थेरेपी जाती हूँ ना, तो थोड़ा थक सी जाती हूँ। तो कोई नहीं, बन गया, मतलब थोड़ा सा रह गया बनाने के लिए, तो वो बना के फिर मैं घूमने जाऊंगी। तो आज 7 बजे के करीब ही होगा मेरा घूमने का जाना जाने के लिए। यहीं नीचे ही घूमते हैं हम लोग, कभी कॉलोनी में घूम लेते हैं, कभी बाहर घूम। रोज करेले बनते, कभी नहीं बनते होंगे, लेकिन रोज करेले बनते हैं। और ऑफिस के लिए मैंने भिंडी बनाई थी, तो वो मेरे लिए बचे हैं। तो हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए आलू की सब्जी बना रही हूँ, और सब्जी नहीं, साग बना रही हूँ उबाल के। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। हमारे उत्तराखंड में तो सब लोग बनाते हैं, जितने भी गढ़वाली पहाड़ी होंगे, आलू थींच के थिंचोड़ी बोलते हैं। पर लेकिन मैं शॉर्टकट में ना उबाल के बना रही हूँ। उबाल के भी अच्छे होते हैं, लेकिन थीच आलू, छोटे छोटे आलू वो थींचो ना, तो वो ज़्यादा टेस्ट आता है उसमें। लेकिन मुझे आलस आ गया, सिलबट्टा भी नहीं है, शिल्प नहीं है, शिल्प में नहीं थींचते। पहले तो मैं हम थींच लेते थे, लेकिन इसलिए मैंने कहा उबले हुए आलू के बनाती हूँ। और आज ना यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा नई मशीन थी ना आज। और फ्रेंड्स, ये मेरे चावल बन गए हैं, और इस इनमें मैंने हल्की सी हल्दी डाल रखी है, वैसे कम है लेकिन कैमरे में ना ज़्यादा पीले दिख रहे हैं, हल्के हैं। और जीरा डाल रखा है। हल्दी मैं आए दिन डालती थी, लेकिन 4-5 दिन से नहीं डाल रही थी, क्योंकि भूल जा रही थी जल्दीबाजी में। तो ये मैंने इसमें थोड़े से ही हैं, इतना ही खाता है बेटा, रोटी भी नहीं खाएगा इसमें, कभी खाता है एक कभी नहीं खाता है। चावल के देखो, उबले हुए चावल के एक 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 दाने हो रखे हैं, तो माँ ने निकाल के बनाए हैं मैंने, क्योंकि उसे चावल ही चाहिए ऑफिस से आके, तो वो अभी 7 बजे खा लेगा। तो ये मेरे चावल इधर रेडी हो गए। इधर मैंने बेटे के लिए सलाद काट के रख दिया, इधर मैंने रायता बना दिया, लेकिन आज रायता ना थोड़ा सा पतला हो गया है। उसी उसी के लिए बनाया है, क्योंकि हम लोग रात को नहीं खाते हैं, तो वो तो 7 बजे खा लेता है, हम 8 बजे खाते हैं। तो ये थोड़ा सा ना इसलिए हुआ कि दही खट्टी हो गई थी, इसलिए थोड़ा मैंने उसमें पानी डाला है, इसलिए थोड़ा पतला हो गया। और इसमें मैंने और दही जमा दी है, अभी जमाई है गुनगुने दूध में, 2 घंटे में जम जाएगी, तब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। इसमें मेरे आलू उबल के तैयार हो गए हैं, तो अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलिए और ठंडे करती हूँ, फिर मैं आलू का साग बनाती हूँ, क्योंकि 6:25 हो गई हैं, और तो वो आ जाएगा 5-7 मिनट में, तब तक मुझे सब्जी बना के तैयार चाहिए। तो ये मैं आलू का साग स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। और आज थोड़ा बहुत टमाटर सस्ते हो गए हैं, तो मैंने ये 3 टमाटर घिस रखे हैं, कि चलो आलू की सब्ज़ी में टमाटर अच्छे होते हैं, नहीं तो हम लोग एक एक ही डाल रहे थे, एक एक सुबह एक एक शाम। और जैसे छोले वगैरह बनाती थी, तो उसमें तो दो दो डालने ही पड़ने थे, छोले राजमा, तो आज मैंने 3 काटे हैं, क्योंकि टमाटर हो गए 120 रुपये किलो। और ये मैंने आलू बॉईल करके रख दिए, ये मैंने लहसुन है, ये लहसुन मैंने ना धो के और आलू के साथ उबाली थी, तो उसके बाद निकाल छिली थी मैंने, तो वो आसान भी होती है और उसका स्वाद अलग ही होता है। कटी हुई लहसुन का स्वाद अलग होगा, उबली हुई का अलग होगा, सब्जी में तुम काट के डालोगे उसका स्वाद अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब ये मेरा जख्या और वो है सरसों, तो ये देखो, और इसमें डालूंगी मैं लाल मिर्च, थोड़ा सा छोंक के लिए, थोड़ा स्वाद आ जाता है, ये गाँव की है। तो अब डालती हूँ मैं इसमें टमाटर, टमाटर डाल दिए मैंने, अब इसको मैं मसाले अच्छे से बनाऊँगी। और आधे आलू तो मैंने उसके लिए सुबह परांठे बनाने के लिए रख दिए, या तो परांठे बनाऊँगी या तो ब्रेड टोस्ट बनाऊँगी। अब मैं इसमें डालती हूँ मसाला, ये मेरा मसाला हो गया है रेडी। अब मैं डालती हूँ इसमें आलू,
थोड़ा सा चटपटा बनाऊंगी इसे। हस्बैंड वैसे चटपटा तो नहीं खाते हैं, अब देख लेंगे। आलू का साग भी मेरा रेडी हो गया है, बस थोड़ा एक दो उबाल आएंगे इसमें तो तब बंद कर दूंगी गैस। अभी एक दो उबाल अच्छे से निकालूंगी, मतलब 5-7 मिनट तक इसे और पकाऊंगी। और इतने आलू मैंने उबाल के रख लिए हैं, बेटे के लिए सुबह या तो आलू के पराठे बनाऊंगी या तो फिर ब्रेड टोस्ट करूंगी, उसके अंदर डालूंगी। और हम तो खाएंगे रोटी और करेले की सब्ज़ी, क्योंकि करेला मेरे और मेरे हस्बैंड का भी, बच्चों का भी फेवरेट है। तो करेले की सब्ज़ी बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, कम से कम डेली बनते हैं, किसी दिन नहीं बनी है। आज सुबह, अधिकतर हमारे सुबह बनते हैं। तो चलो फिर मैं तैयार होती हूँ जब तक ये उबलता है, और जाती हूँ तब मैं घूमने, घूमना भी ज़रूरी है। तो आज हमारी किचन की सफाई चल रही है और हर हफ्ते चलती है। और आज हम ये 2-3 रैक छूट गए थे, एक इधर वाले, तो इनको साफ़ कर रहे हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल हो रही है इनको साफ़ करने में, क्योंकि ये हमें आइडिया ही नहीं कि कैसे खुलते हैं। उस समय उन्होंने बोला था जिन्होंने बनाया था कि हम बताएंगे, लेकिन बड़ी परेशानी होगी, 1.5 घंटा हो गया हमें इसी में। लेकिन वो ढंग से ना अंदर हल्के से मसाले के दाने गिरे ना, वो नहीं निकल पा रहे ना, हम वहाँ घुस पा रहे हैं। तो ये किसको, ये तो मैंने अच्छे से कर दिया है साहब, यहाँ अब मार देंगे हम स्प्रे, क्योंकि कोई भी कीटाणु वगैरह ना होंगे। और किचन की सफाई हम हर हफ्ते करते हैं, हर हफ्ते, लेकिन ये दराज 2 छूट गए थे। ये बाहर से पोंछना फाँचना सब, ऊपर से तो मैंने कर दिया है। आज ऊपर शिल्प में चढ़ के मैंने ही करा, ऊपर थोड़ा ऊपर कोने कोने में नहीं जा पाई, ये वाली दीवार रह गई अभी, इसको कर रही हूँ। देखती हूँ कैसे घुसती हूँ मैं इनके अंदर। और यहाँ तो बर्तन हैं, ये भी मैंने कर दिए हैं, ये वाला तो मैंने कर दिया है साफ, पर ये वाला नहीं हो रहा, इसकी बड़ी मुश्किल हो रही है। और आज ज़रा हम धुलाई कर रहे हैं इसकी, लाइजोर डाल के आज हम ज़रा इसकी धुलाई कर रहे हैं पूरे, क्योंकि झाड़ू तो मैंने मार दिया है। तो इसकी आज तीनों कमरों की धुलाई करती हूँ, और यहाँ धुलाई करेंगे। और आटा चावल के ड्रम भी धो रही हूँ मैं भी, अभी बहुत काम है, अभी नाश्ता पानी कुछ नहीं बचा, और 8 बज कुछ नहीं बना, और 8 बज गई हैं। चलो कोई नहीं, आज कपड़े उपड़े भी धुल रहे हैं बहुत सारे। आज सफाई कर रही हूँ मैं किचन की, ये हमारे हर संडे होता है साफ सफाई करना, और इनमें बड़ी मेहनत लगती है। ऊपर वाले दराज तो जो हैं उनमें मेहनत नहीं लगती, लेकिन ना इनमें बहुत मेहनत लगती है। इनके अंदर जो जाली है ना, इतनी परेशान हो गई मैं एक के अंदर, मुझे 1.5 घंटा हो गया साफ़ करते करते, लेकिन वो ढंग से साफ़ नहीं हुआ। अब मैंने अच्छे से साफ़ करके उसमें स्प्रे मार दिया है कि ताकि उसमें कुछ कीटाणु ना हो। और अब मैं ये साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भैया लकड़ी का काम। आगे से कभी भी कुछ भी दूसरे घर में कभी होगा तो सोच समझ के कराऊंगी, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो जाती है इसमें। फ्रेंड्स, तो ये मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और आज ये सब नल नुल भी मैंने अच्छे से चमका दिए हैं। और दीवार वार पानी का पाइप कहीं भी घुमा लो, ऊपर नीचे कहीं यहाँ तक चले जाता है इससे पानी, तो ये भी धो दिए मैंने। और ये RO से जो पानी पीने के लिए हम बोतल भरते हैं, तो उसका फिर गंदा पानी इसमें गिरता है, तो हम डिब्बा लगा देते हैं। 2 डिब्बे रखे मैंने, एक भरता है तो दूसरे लगा देती हूँ, क्योंकि ये पानी भी हम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पानी की बर्बादी नहीं करनी है। बहुत सी जगहों में तो पानी भी नहीं मिल रहा, कहीं जगहों में जैसे दिल्ली में, हमारे यहाँ तो पानी खूब है लेकिन हम वेस्ट नहीं करते। तो ये पानी हमारे बर्तन धोने के काम आता है, और ये पानी मेन हमारे सुबह शाम ये पानी हमारे पौधों में जाता है। अगर 2 डब्बे भर जाते हैं तो उसके बाद में बाल्टी में घेर देती हूँ, और फिर छत में पौधों के लिए जाते हैं। तो ये डब्बा भर गया है, दूसरा दे देना डिब्बा, ये लगा दो आप। तो दूसरा डब्बा अब मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। तो ये अब ये बर्तन की टोकरी है, धोए इसमें डाले, लेकिन इसको भी हर 3rd-4th दिन साफ़ करनी पड़ती है ये ट्रे, क्योंकि ये ना इसमें चिकनाहट सी जम जाती है, तो ये भी साफ़ कर रहा है।
पूरा किचन मैंने कर दिया है क्लीन। और अब मैं ये देखो, ये मैंने नीचे धुलाई कर रही हूँ मैं, ये उधर से मैंने धो दिया है। अब एक किचन रह गया है, तो ये किचन की ना मैंने यहाँ सर पर थोड़ा छोड़ रखा है किनारे किनारे ना, तो इसमें ये है ना, इसमें नीचे से लकड़ी टैचनी है। पहले ये दीवार है ना, ये इतनी ऊंची, ये टाइल है और सीमेंट की दीवार है, उसके बाद पत्थर है, फिर पत्थर के बाद लकड़ी लगी हुई है। तो वैसे तो मैं पानी गिरने नहीं देती, यहाँ पे भी मैंने पानी नीचे ना आए बॉक्स में, तो मैंने कपड़ा रखा है, इसके ऊपर मैं साफ़ करती हूँ बर्तन कि नीचे पानी ना आए, यही गीला हो। तो चलो मैं इसको किचन को रगड़ती हूँ, इसके रगड़ने के बाद मैं नहाती हूँ। कमरों की धुलाई मैंने कर दी है, और इसके अभी सामान मैंने सारा ऐसे ही रखा है, अभी सेट करूँगी। धुलाई उलाई हो गई है, एक बार सूखा पोछा मारूँगी कि फिसला ना हो, लाई जोर से धोया है। अब मैं इसको रगड़ती हूँ जरा नीचे, क्योंकि किनारे किनारे ना थोड़ा हल्का सा, एक हफ्ते से हुआ है, क्योंकि हम हर हफ्ते धोते हैं, और एक हफ्ते से मैं थेरेपी जा रही ना, तो ये नहीं रगड़ पा रही मैं। तो चलो आज करती हूँ मैं साफ अच्छे से। फ्रेंड्स थक गई हूँ, और कमरे उमरे हो गए, सब क्लीन हो गए कमरे, अब सब कुछ धो दिया। किचन में थोड़ा मैंने पानी छोड़ रखा है, अब मैं एक पोछा मारती हूँ सूखा पोछा, ताकि ये सब सूख जाए। उसके बाद मैं नहाती हूँ, और तब मैं नाश्ता बनाती हूँ, और बेटे की फरमाइश है आलू के पराठे, तो आलू के पराठे बनाती हूँ। हम लोग तो या तो रोटी खाएंगे, करेले की सब्ज़ी बना रखी है मैंने, रोटी खाएंगे, या तो फिर ब्रेड, मक्खन ब्रेड जो भी है, देखती हूँ। आटा भी गूंज रखा है, करेले की सब्ज़ी भी बना रखी है, और अब सिर्फ आलू भी कल के उबाल के रखे हैं। बेटे के लिए बनाऊंगी दो परांठे, दो दो रोटी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। और देखो अभी सारा सामान ऊपर रखा हुआ है, और 7 बजे से लगे हुए हैं हम सफाई करने में, 7 बजे से। और मेरे हस्बैंड तो ऊपर के जो जाले जूले हैं ना, हर हफ्ते हम ऊपर के पूरे जो जाले हैं, ये हैं चाहे नहीं है, झाड़ू से रगड़ते हैं, तो यहाँ पे सीढ़ी लगा के रगड़ते हैं, और मैं कर रही हूँ धुलाई का काम। उन्होंने तो रगड़ रगड़ के जाले जूले निकाल दिए सब कुछ, तो वो नहाने घुस गए, तो मैंने भी धुलाई कर दी है। अब मैं भी जरा किचन का नीचे रह गया, वो करती हूँ ठीक। फ्रेंड्स ये सोपों के हर संडे को साफ करते हैं हम, लेकिन देखो इतनी मिट्टी जम जाती है इसमें, तो मैं आज 9:45 हो गए हैं, और हमारा अभी तक कुछ सफाई का ये काम हुआ है बस, इनको भी साफ करना ज़रूरी है ये चीज़। फ्रेंड्स फाइनली मेरी पूरी सफाई हो गई है अब, और पूरी धुलाई करी हमने, अभी हल्का गीला है, अब चमकेगा जब सूखा हो जाएगा। आज तो बुरी तरह से थक गई मैं, आज मैंने अपने हस्बैंड को भी थका दिया है, उन्होंने पूरी ये सारी दीवारें रगड़ी हैं ये तीनों कमरों की, और मैंने धुलाई करी, किचन साफ़ करा, रैक साफ़ करे, और आटा चावल के और पैनल से लेके पूरा ये साफ, दीवार वगैरह फ़ोटो वगैरह हस्बैंड जी ने साफ़ करी हैं, जाले वाले साफ़ उन्होंने करे हैं, क्योंकि ऊपर में इतने उसमें सीढ़ियों में ना मेरे को डर लगता है, तो मैंने ये सारे साफ करे। सोफे के मैंने इसके कवर धोने डाल दिए, क्योंकि हल्की सी उसमें ना चाय गिर गई थी। तो फ्रेंड्स ये है मेरा छोटा सा घर, तो ये साफ करते करते 9:55 हो रही हैं, और ये पूरी डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ वगैरह सब साफ करी हैं, और इस रूम में तभी बेटा सो रखा है, सामान मैंने आधा से ज़्यादा पलंग में रखा है, तो इसकी भी मैंने धुलाई कर रखी अच्छे से। ये दूसरा वाला रूम है, तो इसकी तो अच्छे से हो गई है सफाई, थोड़ा कपड़े रह गए मेरे बेड पे, और नहा धो के दिया बत्ती भी मैंने कर दी है।
अब जाती हूँ मैं नाश्ता बनाने। हाँ, मुझे भी भूख लग गई है और थक भी लग गई है बहुत ज़्यादा। इसलिए ना फ्रेंड, हम संडे के दिन, सैटरडे संडे हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अपना घर है और इतना सारा लकड़ी का काम करा रखा है। तो हम सोचते हैं कि हर संडे के दिन हमारा सफाई का रहेगा, ताकि इस चक्कर में हमारी साफ़ सफाई भी हो जाएगी और अच्छे से हमारी जो लकड़ी का ये है, इनकी केयर भी हो जाएगी। नहीं तो अगर हम छोड़ देंगे तो फिर पता क्या होता है, इसमें दीमक वगैरह लगने का डर होता है। ज़्यादा डर हमें इसी चीज़ का है कि कॉकरोच, दीमक, इन चीज़ों से। मुझे कॉकरोच से तो मुझे बहुत ज़्यादा घिन हो रही होती है। और ये मैंने ये इस नीचे साफ करके खाली कर रखे मैंने चावल और आटे के ड्रम, तो इनकी इन दो पे मैंने यहाँ पे स्प्रे मार रखा है। बाकी उन दो पे मैंने पिछले हफ्ते मारा था, तो उनके बर्तन मैंने तब नीचे करे थे। यहाँ भी अंदर धुलाई करके थोड़ा सुखाने रखा है और देखो पूरी धुलाई करी है। आज ऊपर मैंने सिर्फ इन पे मारा है, एक कपड़ा इस पे और इस पे, और इसकी धुलाई में अगले हफ्ते सफाई अगले हफ्ते करूँगी इसकी और इस तरह, क्योंकि मैं ना हाथ पैर हिल गए मेरे। और मेरे हस्बैंड ने कहा बस अब इतना ही कर, और उन्होंने सिर्फ दीवारें रगड़ी हैं। जाले झूले, जाले झूले तो मेरे घर में कभी नहीं लगते, कभी नहीं। इसी चक्कर में हम हर हफ्ते रगड़ते हैं, जाला लगना अच्छी बात नहीं है। तो चलो फिर, चलो फिर फ्रेंड, अब मैं नाश्ता बना रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इन पे भी इतने खांचे बना रखे हैं ना मैंने, बहुत सफाई करनी पड़ती है इन पे, डेली इतनी मिट्टी जमती है ना। इनकी सफाई तो मुझे पहले तो डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन इनको साफ करना पड़ता है पूरा। ये हो गए, मेन टेबल हो गई। अधिकतर सोफे भी हम दूसरे तीसरे दिन साफ कर देते हैं, लेकिन इस बार हफ्ते में कर रही हूँ उनके डंडे साफ, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। फ्रेंड्स, तो अब हमारा नाश्ता रेडी हो गया, अब हम नाश्ता करते हैं। और बहुत थक गए थे और मैंने आलू उबाल रखे थे, तो बेटे के लिए पराठे बनाते। उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए आलू के पराठे नहीं बनाने, मेरे लिए पनीर के पराठे बनाने। तो मैंने कहा पनीर तो है ही नहीं, फिर मैं नीचे भी नहीं जा रहा, बल फ़ोन करो और दुकान से मंगाओ, वो देने भी आ जाते हैं घर पे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसा करो कि छोले कुलचे मंगा लो, ऑर्डर कर लो। फिर इसने कहा कि ठीक है, तो मैं उन्होंने तो ब्रेड खा ली, उन्होंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा, उन्होंने ब्रेड खा ली वो, क्योंकि अपने उसके पक्के हैं, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। मैं भी बहुत थक रखी थी, टाइलें रगड़ रगड़ के, आटे चावल के ड्रम रगड़ रगड़ के। तो मैंने कहा कि चलो भाई, मैंने कहा मैं भी खा ही लूँगी। मैंने वैसे करेले की सब्ज़ी बना रखी है, और इन्होंने कहा कि चल मंगा ले। फिर हमने ऑर्डर करा उसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो आ गया है हमारा नाश्ता, ये हैं भटूरे और छोले, और ये सीताफल की सब्ज़ी है, ये हमने मंगाई नहीं थी, ये उन्होंने अपने आप ऐड करी है। और ये सलाद है, और ये इसने आइसक्रीम भी मंगा ऑर्डर करी है। तो ये भी, ये सब आ गए। आइसक्रीम भी नहीं खाऊंगी मैं, और एक भटूरा खाऊंगी, क्योंकि हैवी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और अपने लिए उन्होंने, बेटे ने बेद पूरियाँ मंगा रखी हैं, और ये है छोले हैं कि आलू की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी है नहीं, और बेद पूरी है ना, बहुत अच्छी भी हैं और बड़ी भी हैं, और ऐसे सूखी सूखी लग रही हैं, लगी नहीं रही कि पूरियाँ हैं। तो चलो फिर, और ये मेरे लिए चाय है। नाश्ते का आनंद लेते हैं, और आप भी आओ खाना, छोले भटूरे और पूरी खाने के लिए। और मैंने करेले की सब्ज़ी बना रखी थी, करेले की सब्ज़ी वही है। मेरे हस्बैंड ने तो ब्रेड खा ली, वो भी सेक के बिना मक्खन के, वो ऐसे ही खाना खाते हैं। चलो हम तो पतले पतले हैं, हम खा लेते हैं छोले भटूरे। फ्रेंड्स, तो साफ सफाई भी हमारी हो गई है, और अब नाश्ता पानी करते हैं, नहा धो के नाश्ता पानी करते हैं, साफ सफाई क्लियर हो गई है। तो चलो फिर फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। तो बाय बाय, टेक केयर, जय माँ ज्वाला, अपना ध्यान रखना।